वही लखनऊ के गोल्ड सिटी थाना इलाके में बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि मामले में दो नाबालिग आरोपियों से पूछताछ कर मामले का खुलासा किया है, उसके बाद हिदायत देकर दोनों को छोड़ दिया गया। दरअसल 10 मई को बिरला ओपन माइंड स्कूल की प्रधानाचार्य की ओर से पुलिस को सूचना दी गई थी कि एक ईमेल द्वारा स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने एटीएस और सर्विलेंस टीम के साथ जांच शुरू कर दी। इस संबंध में डीसीपी साउथ तेज स्वरूप सिंह ने खुलासा किया। दूसरे स्टेट से दो बच्चों के परिजनों के साथ थाने लेकर पूछताछ की गई। वही बच्चों ने पुलिस को बताया कि एक गेमिंग ऐप पर चैटिंग के दौरान मेल फॉरवर्ड किया गया था, जो स्कूल की एडमिशन इंक्वायरी वाली मेल पर पहुंच गया। डीसीपी साउथ ने बताया कि बच्चों की उम्र 10 से 12 साल होने के चलते जांच पड़ताल के बाद परिजनों को ऐसे ऐप से बच्चों को दूर रखने की हिदायत दी गई। 2024 को एक ईमेल से बिरला ओपन माइंड स्कूल को एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ था, जिसमें बम से उड़ाने की बात कही गई थी। तो चूंकि किसी स्कूल को बम से उड़ाने की बात बहुत गंभीर मानी गई और इसको तत्परता से इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया, और इसमें हमारी जो सर्विलांस टीम है थाना सुशांत गोल्ड सिटी की, तथा इसमें एटीएस की टीम भी लगाई गई थी, और इस टीम ने इसको जो निकला, ये बच्चे आजकल तमाम विभिन्न प्रकार के ऐप चलते हैं, उन ऐप में चैटिंग के दौरान किसी मैसेज को इन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो वो बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में वो तो बिल्कुल इनोसेंट निकले, किसी तरह की कोई उनकी वो तो है ही नहीं है, और इनके जो गार्जियन थे उनको सख्त हिदायत दी गई है कि इस तरह से अपने बच्चों को संभाल के रखें और इस तरह के ऐप और इन सबसे दूर रहें। वो देखिए, तमाम चैटिंग ऐप हैं, तो चैटिंग ऐप में तमाम ढेर सारी चीजें रहती हैं, उसमें तमाम चलते रहते हैं, अब बच्चे समझ नहीं पाते हैं क्या है, उसको आगे बढ़ा देते हैं। ये ऐसे हुआ।